योहाने। मसीह यीशु ने उन्हें दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देना प्रारंभ किया। एक व्यक्ति ने बगीचे में अंगूर की बेल लगाई, उसके चारों ओर बाड़ लगाई, उसमें रसकुंड खोदा, रक्षा करने का मचान बनाया और उसे किसानों को पट्टे पर देकर यात्रा पर चला गया। उपज के अवसर पर उसने अपने एक दास को उन किसानों के पास भेजा कि वो उनसे उपज का कुछ भाग ले आए। किसानों ने उस दास को पकड़ा, उसकी पिटाई की तथा उसे खाली हाथ लौटा दिया। उस व्यक्ति ने फिर एक अन्य दास को भेजा। किसानों ने उसके सिर पर प्रहार कर उसे घायल कर दिया तथा उसके साथ शर्मनाक व्यवहार किया। उस व्यक्ति ने एक बार फिर एक और दास को उनके पास भेजा, जिसकी तो उन्होंने हत्या ही कर दी। उसके द्वारा भेजे हुए अन्य दासों के साथ भी उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया। उन्होंने कुछ को मारा पीटा तथा बाकियों की हत्या कर दी। अब उसके पास भेजने के लिए एक ही व्यक्ति शेष था, उसका प्रिय पुत्र। अंततः उसने उसे ही उनके पास भेज दिया। उसका विचार था, वे मेरे पुत्र का तो सम्मान करेंगे। उन किसानों ने आपस में विचार किया, सुनो, ये वारिस है, यदि इसकी हत्या कर दें तो ये संपत्ति ही हमारी हो जाएगी। उन्होंने उसे पकड़ उसकी हत्या कर दी तथा उसका शव बगीचे के बाहर फेंक दिया। अब बगीचे के स्वामी के सामने इसके अतिरिक्त और कौन सा विकल्प शेष रह गया है कि वो आकर उन किसानों का नाश करे और उद्यान का पट्टा अन्य किसानों को दे दे। क्या तुमने पवित्र शास्त्र का ये लेख नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा घोषित कर दिया था, वही कोने का मुख्य पत्थर बन गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यहूदी मसीह यीशु को पकड़ने की युक्ति तो कर ही रहे थे, किंतु उन्हें भीड़ की प्रतिक्रिया का भी भय था। वे ये भली भांति समझ गए थे कि ये दृष्टांत उन्हीं के लिए था। वस्तुतः इस अवसर पर वे मसीह यीशु को छोड़ वहां से चले गए। यहूदियों ने मसीह यीशु के पास कुछ फरीसियों तथा हेरोदेस समर्थकों को भेजा कि मसीह यीशु को उनकी ही किसी बात में फंसाया जा सके। उन्होंने आकर मसीह यीशु से ये प्रश्न किया, गुरुवर, ये तो हमें मालूम है कि आप एक सच्चे व्यक्ति हैं। आपको किसी के मत समर्थन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में पक्षपात है ही नहीं। आप पूरी सच्चाई में परमेश्वर संबंधी शिक्षा देते हैं। हमें ये बताइए, कैसर को कर देना व्यवस्था के अनुसार है या नहीं? हम कर दें या नहीं? उनका पाखंड भांप कर मसीह यीशु ने उनसे कहा, क्यों मुझे फंसाने की युक्ति कर रहे हो? दीनार की मुद्रा लाकर मुझे दिखाओ। वे मसीह यीशु के पास एक मुद्रा ले आए। मसीह यीशु ने वो मुद्रा उन्हें दिखाते हुए उनसे प्रश्न किया, ये छाप तथा नाम किसका है? कैसर का, उन्होंने उत्तर दिया। मसीह यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को। ये सुन वे दंग रह गए।